इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला आज इंद्री में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंचे। इंद्री में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि अगली सरकार इनेलो की बनेगी, क्योंकि जनता का कांग्रेस व भाजपा से मोह भंग हो चुका है। भाजपा के झूठ की दुकान अब और चलने वाली नहीं है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज अपने होश हवास खो चुके हैं, इसलिए उन्होंने ईमानदार और बेदाग ऊर्जावान सांसद दुष्यंत चौटाला को नशेड़ी बताकर उनकी छवि को दागदार बनाने का प्रयास किया है। अनिल विज को अपने इस व्यक्तित्व पर माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा ना जी, क्या करें। अनिल विज ने ये कह दिया, जिस इलाके से ये आते हैं वो नशे में लिप्त हैं और ये खुद भी नशेड़ी हैं। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक जीवन में जिस आदमी की छवि इतनी साफ और बेदाग हो, उसको इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर करके नशेड़ी कह देना, वो उसकी इमेज पर एक दाग पैदा करता है, उसकी इमेज को कलंकित करता है। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अनिल विज, चाहे वो मंत्री हो ना हो या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, हम उनके खिलाफ अदालत में जा करके इस पे न्याय मांगे। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आज मांग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मांगेंगे तो कल को जो हाल केजरीवाल का हुआ वही। नहीं, बीजेपी के सांसद किस बात के लिए उपवास बैठे ये मेरी समझ से बाहर है। तो उपवास पे बैठे अच्छी बात है, मगर उपवास किस बात के लिए कर रहे हैं? पहले वो तो SC ST एक्ट के लिए कर रहे थे, आपने किस बात के लिए उपवास किया? वो तो छोले भटूरे खा के बैठे थे, आप क्या खा के बैठे? उनका समझ नहीं आता कि ये उपवास करते क्यों हैं और क्या जताना चाह रहे हैं एक दूसरे से। ये कांग्रेस BJP एक सांपनाथ एक नागनाथ, हैंड इन हैंड पार्टीज हैं। इनकी पॉलिसी भी एक दूसरे से पूछ के बनती है कि 5 साल तुम राज करो और 5 साल हम कर लें, इस सोच के लोग। सिर्फ और सिर्फ भर्ती नहीं, HSSC वाले में भी बहुत बड़ी खुलासे अभी होने बाकी हैं। उसके साथ साथ SSC में भी, हरियाणा के शिक्षा बोर्ड वाले में भी, मेडिकल वाले में भी, मैं कह रहा हूँ कि चौथे साल आते आते ये सारी परतें खुलती जा रही हैं। जो अपने आप को बेदाग बताते थे वो तो सबसे ज़्यादा दागदार निकले। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल परिवार को एक होना चाहिए, इसके हम पक्षधर लोग हैं।